देश विकसित हो रहा है और उसमें लोग बोल रहा है कि मोदी अडानी का क्या संबंध है। अरे मूर्ख, यही तो नहीं समझ पाए, अगर समझा होता तो बोलता ही नहीं। हिंदुस्तान अभी 8 साल में कितना डेवलप हो रहा है, अरे गलत बोल रहा, इधर आके मुंह दिखा। मैं तो ये कहूंगा कि अडानी जैसी एक नहीं 10 कंपनियां होनी चाहिए जो इस देश को मजबूत रखे। तो मैं ये कहूंगा कि राहुल गांधी माफी क्यों ना मांगे, उनको माफी मांगनी चाहिए। अगर उस देश के सांसद हैं, अपने आप को इस देश के नेता बोले, उनको जनता की माफी मांगनी चाहिए, ठीक है, कि वो इस देश में रह के कैम्ब्रिज में जाके देश की बदनामी अगर कर रहे हैं तो उनसे जैसा अपरिपक्व नेता कोई नहीं है। लेकिन आज मोदी गवर्नमेंट ने जो 2 गवर्नेंस के अंदर इस देश की जो इकोनॉमी है, वर्ल्ड की इकोनॉमी जो क्रैश हुई थी, उसके बावजूद हमारी इंडियन इकोनॉमी को 5वें नंबर पर लाके खड़ा कर दिया। जब आज भारतीय कंपनियां राइज कर रही है तो राहुल गांधी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? नमस्कार, मैं मुकेश मालान। संसद में हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि राहुल गांधी पर एक तरफ भाजपा आरोप लगा रही है कि विदेश की धरती से देश को बदनाम करना लगातार, उसके बावजूद माफी नहीं मांगना। लेकिन कांग्रेस एक ही रट्टा लगाए हुए है, अडानी अडानी अडानी, आखिर क्यों नहीं बोलते मोदी जी? और अडानी के ऊपर सवाल करना राहुल गांधी का, आखिर वजह क्या है? क्योंकि अडानी का मुद्दा शायद पीछे छूट गया है या फिर और आगे आना चाहिए, बात करते हैं। सर, क्या वजह है कि राहुल गांधी बार बार संसद में हंगामा चल रहा है कांग्रेस का, तो अडानी को लेकर के घूम रहे हैं? नहीं, देखिए सिंपल चीज है कि अडानी जी ने जिस तरीके से राइज किया है, जिस तरीके से, ठीक है, वो देश को मजबूत करने वाला एक प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है। मैं आज आपसे ये कहूंगा कि अडानी जी का एक छोटा सा इतिहास शेयर करूंगा। उनकी 7 जो कंपनियां हैं अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के अंदर, वो 7 की 7 कंपनी जब उन्होंने खरीदी तब वो घाटे में चल रही थी, ठीक है। कि जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई, ठीक है, तो क्या उन्होंने अमेरिका की तरफ रुक गया? ठीक है, जो सिलिकॉन वैली जो सेकंड लार्जेस्ट बैंक है अमेरिका का, वो दिवालिया हो गया, ठीक है। उसके ऊपर हिडनबर्ग ने कोई रिपोर्ट नहीं दिया, लेकिन भारत की जो अडानी जो कंपनी है और बाकी जो इंडस्ट्रीज है प्राइवेट, उसके ऊपर उन्होंने रिपोर्ट दिया कि इंडियन इकोनॉमी क्रैश हो रही है। अब मैं बताऊंगा कि 5 दिन के अंदर अडानी ने 45% राइज किया और अपना जो इकोनॉमी जो क्रैश हुआ था उसको 2 लाख करोड़ के ऊपर ले गए, ठीक है। अब मैं आपसे ये कहूंगा कि इस जो रिसेशन के अंदर अडानी ने एक भी एम्प्लॉय को निकाला नहीं, ठीक है, अपने जो भी शेयर, जिनका भी जो शेयर बाजार में पैसा रुका था उनका घाटा नहीं होने दिया। लेकिन मैं ये कहूंगा ट्विटर है और बाकी इस तरीके की जो भी कंपनीज है, ठीक है, हाँ, अमेजोन है, फेसबुक है, उनमें जब भी रिसेस, जब भी क्रैश आता है, क्राइसिस आती है फाइनेंस, तो वो अपने एम्प्लॉय को आधा कर देते हैं। लेकिन अडानी जी एक ऐसे हैं कि इतना क्रैश होने के बाद भी उन्होंने एक भी आदमी को नौकरी से नहीं निकाला, ठीक है, एक भी इन्वेस्टर का पैसा नहीं डूबने दिया। तो मैं तो ये कहूंगा कि अडानी जैसी एक नहीं 10 कंपनियां होनी चाहिए जो इस देश को मजबूत रखे। ऐसे आदमी की जरूरत है, ठीक है। अब अगर राहुल गांधी जी फिर भी इस देश के ऊपर सवाल उठाते हैं, ठीक है, कि जो इस देश के, अब अपने आप को इस देश का नेता बोलते हैं, ठीक है, 70 साल में कांग्रेस ने क्या क्या, मेरे को ये बताइए, ठीक है। आप देखिए कि जब भी किसी भी घोटाले का नाम आता है तो कांग्रेस के ऊपर ही सुई का आंकड़ा क्यों जाता है, ठीक है। जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन होता है तो सारे एविडेंस जो है वो कांग्रेस की तरफ ही क्यों जाते हैं। तो मुझे, मैं ये कहूंगा कि राहुल गांधी ने 70 साल में उनकी सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन आज मोदी गवर्नमेंट ने जो 2 गवर्नेंस के अंदर इस देश की जो इकोनॉमी है, वर्ल्ड की इकोनॉमी जो क्रैश हुई थी, उसके बावजूद हमारी इंडियन इकोनॉमी को 5वें नंबर पर लाके खड़ा कर दिया, ठीक है। तो राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए कि आज ऐसे कर्तव्यनिष्ठ नेता, ऐसी कर्तव्यनिष्ठ सरकार जो बनी है इस देश के अंदर, इस देश की जनता को डेवलप करी, इस देश को सुरक्षा दे रही है, इस देश की हर नागरिक को सुरक्षा दे रही है। यहाँ पे आतंकवाद को भी हम लोग सप्रेस करें, ठीक है। 70 साल में कांग्रेस ने कितना आतंकवाद फैलाया, ठीक है, जो मोदी जी ने सिर्फ 2014 के आने के बाद 99% आतंकवाद सप्रेस करके रख दिया, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा कि राहुल गांधी माफी क्यों ना मांगे, उनको माफी मांगनी चाहिए। अगर उस देश के सांसद हैं, अपने आप को इस देश के नेता बोले, उनको जनता की माफी मांगनी चाहिए, ठीक है, कि वो इस देश में रह के कैम्ब्रिज में जाके देश की बदनामी अगर कर रहे हैं तो उनसे जैसा, मैं यूं कहूंगा कि अपरिपक्व नेता कोई नहीं है। मैं उनके लिए, देखिए, गाली तो नहीं निकालूंगा, लेकिन एक अपरिपक्व शब्द है उनके लिए काफी है, क्योंकि मैंने पहले भी उनके बारे में कहा था कि उनका जो कैरेक्टर है वो गैंग ऑफ वासेपुर में जो परपेंडिकुलर, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर वो नेता होते तो, अगर वो राष्ट्रभक्त होते तो वो ना वो आतंकवादियों से मिलते, ना वो इस देश की सुरक्षा के बारे में कुछ टिप्पणी करते, ना वो इस देश की इकोनॉमी के बारे में टिप्पणी करते। लेकिन मैं ये कहूंगा कि सवाल यहां उठता है कि क्या राहुल गांधी देशभक्त हैं या गद्दार हैं, ये जनता तय करे। तथ्य देखिए, आप तथ्यों पर जाइए कि 70 साल का गवर्नेंस देखिए और मोदी जी का 2 गवर्नेंस का आप डेवलपमेंट देखिए, ठीक है। अब मैं आपसे एक और बार शेयर करना कहूंगा कि देखिए, यूएनएससी की जो मीटिंग हुई अभी 13 मार्च को और 16 मार्च को, उसमें 140 देश ऐसे हैं जिन्होंने भारत की बात को
वेटेज दिया है। क्यों दिया है मैं आपको कहूंगा कि उन्होंने कहा कि 1945 से जब यूएन बना उसके बाद आज भी सिर्फ जो 5 कंट्रीज हैं जो इस वर्ल्ड की इकोनॉमी को चलाते हैं सिर्फ उन्हीं का डेवलपमेंट हुआ, लेकिन बाकी के जो 140 देश हैं उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ। इसकी वजह से यूएन में रिफॉर्मेशन जरूरी है, ऐसा अपने जो ओम बिरला जी हैं उन्होंने इस मीटिंग में कहा था। ठीक है, तो 13 मार्च की जो मीटिंग हुई उसमें उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण और जेंडर इक्वालिटी के ऊपर इंटरनेशनल लेवल पे एक यूएन को रिफॉर्मेशन करके एक रणनीति बनाई जाए ताकि हर देश की हर महिला हर नागरिक को जॉब मिले, हर नागरिक सुरक्षित रहे। ठीक है, जो 16 मार्च की जो मीटिंग हुई उसमें उन्होंने कहा कि भाई डिफेंस और जो सिक्योरिटी की बात है, जहाँ पे डिफेंस और टेक्नोलॉजी की बात है, अगर हम डिफेंस और टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे तब भी इतना रोजगार इंटरनेशनल लेवल पे पैदा हो जाएगा कि हमें किसी एक दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। ठीक है, भारत जो मोदी जी वो कर रहे हैं कि वन वर्ल्ड वन नेशन वन रूल, ठीक है, हम इस चीज पे पहुंचेंगे तभी जाके पूरी दुनिया से आतंकवाद को मिटा पाएंगे, तभी जाके पूरी दुनिया से हम गरीबी को मिटा पाएंगे। ठीक है, हम जिस तरीके से आतंकवादी सिस्टमों से जूझ रहे हैं पूरा वर्ल्ड जूझ रहा है। ठीक है, लेकिन मुझे बताइए कि 1945 से अब तक मैं यूएन ने क्या क्या इस देश के लिए, ठीक है, तो आज परिस्थिति यह है कि जो 140 देश हैं भारत के इंटरनेशनल लेवल के वो बोल रहे हैं कि अगर भारत को अध्यक्षता दी जाए यूएन की तो डेफिनेटली इस तरीके से पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमी बूस्ट होगी कि पूरे वर्ल्ड का हर नागरिक अपना हर सपना पूरा कर पाएगा, उस पूरे वर्ल्ड में हर जितने भी महिला हैं वो अपना हक पा पाएंगी, अपना जो भी नेचुरल डेवलपमेंट है, अपना जो भी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है वो कर पाएंगी, क्योंकि महिलाओं के योगदान के बिना पूरी दुनिया का विकास संभव नहीं है। क्योंकि हम अगर बात करें कि सिर्फ मेल जो पर्सन है वही अगर इस तरीके से अगर अपना एक झंडा लेके खड़ा रहेगा कि सिर्फ आदमी ही ये कर सकता है महिला नहीं कर सकती, तो उस राष्ट्र में कभी भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता, ये सीधी बात है। लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी का ये कहना कि भारत के गिरते लोकतंत्र पर अमेरिका जैसे देश को आवाज उठानी चाहिए। देखिए, भारत के गिरते भारत का जो मैं आपसे यूं कहूंगा कि राहुल गांधी, मैंने आपसे पहले कहा कि वो अपरिपक्व नेता है। ठीक है, अमेरिका ये कभी नहीं चाहेगा कि भारत दिवाला पिट गया है, अमेरिका ये कभी नहीं चाहेगा कि भारत की इकोनॉमी बूस्ट हो। क्यों नहीं चाहेगा, मैं आपसे ये कहूंगा, एक मुद्दा शेयर करना चाहूंगा कि जब अपने G20 की मीटिंग हुई और ये UNSC की मीटिंग हुई तो रशिया ने कहा कि भाई भारत एक ऐसा देश है कि इसको वीटो क्यों ना दिया जाए। ठीक है, आपने चाइना जैसे देश को वीटो दिया गया, फ्रांस को वीटो दिया गया है, ठीक है, कनाडा जैसे कंट्रीज को वीटो दिया गया, लेकिन भारत इतना सक्षम लोकतंत्र है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी जिसको कहा जाए, उसको वीटो क्यों ना दिया जाए। ठीक है, अब मैं आपसे ये कहूंगा कि क्या ये इस तरीके की सोच राहुल गांधी में है, नहीं है। क्या इस तरीके की सोच किसी कांग्रेस के या आम आदमी पार्टी के नेता में है, नहीं है। मैं आपसे ये कहूंगा, सोचिए जनता, इस बात को सोचिए। ठीक है, आज एक और चीज है कि देखिए, कह रहे हैं कि डॉलर 85 रुपीज चला गया। ठीक है, अब बात सुनिएगा कि 1947 में जब देश आजाद हुआ तब अंग्रेज यहाँ पे $4 की इकोनॉमी छोड़ के गए थे। ठीक है, 1970 आते आते ये इकोनॉमी हो गई $2 की। ठीक है, मतलब जब आप $2 दो तब ₹1 आता था, ये था। लेकिन 1970 से 1914 तक आते आते इकोनॉमी रिवर्स हो गई। हाँ, 2014 तक इकोनॉमी पूरी रिवर्स हो गई, जब मतलब ₹54 का डॉलर हो गया। ठीक है, मतलब जब आप ₹54 दोगे तब $1 आएगा। तो ये मैं आप बताऊंगा 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। ठीक है, बाकी जो देश है जैसे कि जापान है, चाइना है, ये भी उसी टाइम पे मतलब आजाद हुए थे, लेकिन उनकी इकोनॉमी क्यों बूस्ट हुई, क्योंकि वहाँ राष्ट्रभक्त लोग बचते हैं, वो चाहते थे कि उनका देश डेवलप हो। ठीक है, उन्होंने कर लिया, क्योंकि वहाँ राष्ट्रवाद की विचारधारा वाली एक रणनीति लेके चाइना और जापान दोनों चले थे। ठीक है, देखिए एक मुद्दा मैं शेयर करना चाहूँगा कि देखिए, जब चाइना जापान का गुलाम था, जिस दिन वो आज़ाद हुआ तो चाइना ने पहले दिन ही क्या किया कि चाइना के जितने भी रोड थे, जितने भी मॉन्यूमेंट, जितने भी बिल्डिंग थे, उन सबके नाम जो जापान गवर्नमेंट के नाम पर थे वो बदल के अपने चाइनीज पर रख दिए, ताकि नेक्स्ट जनरेशन को पता ही ना चले कि चाइना कभी गुलाम था। लेकिन हमारे भारत में 1947 से लेकर आज तक आप देखिए, कहीं भी चले आपको अकबर रोड मिल जाएगा, बाबर रोड मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या कहना चाहती है। ठीक है, अब ये सोचने वाली बात है कि भाई 70 साल में कांग्रेस ने क्या इस देश को बर्बाद करने का ही काम किया। ठीक है, आप कंपेरिजन देखिए 70 साल का गवर्नमेंस और 10 साल का गवर्नेंस में। ठीक है, एक चीज और मैं इकोनॉमी के बारे में कहूंगा कि जैसे अभी मैंने कहा था कि डॉलर के बारे में कि भाई डॉलर 85 रुपीस गया, ओके कोई फर्क नहीं, लेकिन मोदी जी की एक ऐसी रणनीति है जिसमें 50 देश ऐसे हैं जिन्होंने भारत के साथ सीधे रुपये में ट्रेड करने के लिए, सीधा रुपये में ट्रेड करने के लिए हामी भर दी। ठीक है, जिसमें रशिया है, जिसमें रशिया है, मलेशिया है, सिंगापुर है, श्रीलंका है और 35 अफ्रीकी देश हैं। ठीक है, अब इससे ये होगा कि इंटरनेशनल लेवल पर रुपया इतना मजबूत हो कि भले अगर डॉलर 100 रुपये पहुंच जाए लेकिन इंडियन रुपये को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है,
इंडियन इकोनॉमिक इंडियन रुपए का एक वैल्यू बना के खड़ा रख दिया इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, अब मैं कहूंगा कि भाई 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, आप सोचिए इकोनॉमी के ऊपर अगर जाते हैं तो। ठीक है, मैं आपसे ये कहूंगा, मैं कोई आतंकवाद की बात नहीं हूं, मैं सिर्फ डेवलपमेंट की बात करूंगा। ठीक है, 70 साल में जो डेवलपमेंट नहीं कर पाए, जो इकोनॉमी इंडिया की क्रैश की, वो मोदी जी ने 2 गवर्नर्स के अंदर इतना मजबूत कर दिया इस देश को कि आज 50 से ज्यादा देश ऐसे हैं जो भारतीय रुपये को इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं और इंडियन करेंसी में ही वो ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो उससे डॉलर चाहे कितना भी मजबूत हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंडियन इकोनॉमी हमेशा बनी रहेगी। इसका एक एग्जांपल आपने देखा कि अभी 5 दिन के अंदर अडानी ने जो जो अपना 45% जो रेशियो वापस कवर रिकवर किया रिसेशन के बाद भी। ठीक है, वो एक एग्जांपल है। ठीक है, लेकिन आने वाले समय में हम आप देखिएगा जो कंट्री डिफेंस टेक्नोलॉजी पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर जनरेशन और एक और है इसमें कि अध्यात्म, अध्यात्म भी है, सही बात है आपका, अध्यात्म में भी आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन देखिए पावर टेक्नोलॉजी डिफेंस और फार्मा ऐसे 5 जो मेन जो बिजनेस है जिससे किसी भी कंट्री का इकोनॉमी बूस्ट रहता है। उसके अंदर अडानी है, अंबानी है, ये इंडियन कंपनी राइज कर रही है कि इंटरनेशनल लेवल पे जाने के बाद भी वो लोग बाहर के देशों में अपना इन्वेस्ट कर, इंडिया में तो कर रहे हैं लेकिन बाहर के देशों की भी कंपनी वो लोग खरीद रहे हैं। ठीक है, आप मुझे 70 साल में बता दीजिए कि कांग्रेस के टाइम में किस कंपनी ने बाहर जाके इन्वेस्ट किया, किस कंपनी ने इंडिया के अंदर जो लोकल कंपनी उसको डेवलप करने दिया, नहीं करने दिया। लेकिन जब आज भारतीय कंपनियां राइज कर रही हैं तो राहुल गांधी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? राहुल गांधी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? सर दर्द वाली बात नहीं है, बात मालूम है क्या है कि अभी तक जो बातें होती थी ना वो हवाई होती थी। आप इंग्लैंड में गए, आपने बोल दिया कि संविधान खतरे में चला गया हमारा भैया और लोकतंत्र खतरे में चला गया। क्या यहाँ जितने लोग खड़े हैं जो पक्ष में बोल रहे हैं विपक्ष में बोल रहे हैं, अगर संविधान खतरे में होता ना, तानाशाही होती, तो क्या आप किसी भी तानाशाह का नाम बताइए जिसके खिलाफ? अभी तानाशाह जिंदा है नॉर्थ कोरिया में, आप बोल के दिखा दीजिए उसके खिलाफ ना उतर जाए आपकी, उसके खिलाफ जाइए यूएन में, जाइए यूएन, आप यूएन में चले जाइए कि भाई नॉर्थ कोरिया में हमें जीने का हक नहीं है, वापस आके दिखा दीजिए अपने देश में वापस, नहीं हो सकता ना वो। चलिए ये एक बात हो गई जिस पे हम लोग बात कर रहे थे। दूसरी बात, जांच एजेंसियों पे इन पे बात हो रही है। एक केस आया हिंडनबर्ग नाम की एक कंपनी थी, हाँ, जिसने एक रैंडम वो निकाल दिया कि भाई ये अडानी इतना पैसा लेके बैठा है, जो भाग गया तो इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, है ना। हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट अमेरिका की किसी कंपनी के खिलाफ कोई अगर यहाँ बता दे कि हिंडनबर्ग ने इस रिपोर्ट को छापा है, आप नाम ले दीजिए, नहीं हो सकता। वहां का बैंक दिवालिया हो जाता है लेकिन हिंडनबर्ग चुपचाप रहता है, हिंडनबर्ग नहीं दे सकता क्योंकि उसके ऊपर बैन लगा हुआ है, वो छापने तो बहुत दूर की बात है, वो तो बैन लगा हुआ है। इंडिया की ऐसी पॉलिटिक्स है कि वो उसने बोल दिया, मैंने आपको बोल दिया कि भाई तुमने मर्डर किया है, अब तुम घूमो सफाई देते, तुम सबको सफाई दो कि भाई मैंने नहीं मारा है यार, मैंने मारा नहीं है, है ना। सेम हिंडनबर्ग के साथ चल रहा है, मोदी जी से बात होती है, मोदी जी जवाब नहीं देते हैं, मोदी जी संसद में नहीं खड़े जो आते हैं, मोदी लोकसभा में खड़े राज्यसभा में नहीं जाते। भाई साहब, एक प्रधानमंत्री जो तुमको 5वें नंबर पे लेके चला आया दुनिया में, 4थे 5वें नंबर पे खींच के ले आया है, तुम्हारे पास, तुम्हें लगता है कि उसके पास इतना समय है कि तुम उसके एक मंत्री, तुम एक मंत्री का नाम ले दो और वो जवाब देने खड़ा हो जाए, हैं? उससे इम्पोर्टेंट काम नहीं है दुनिया में। चलिए मोदी को छोड़ दीजिए, मेरे आपके लिए मेरा इंटरव्यू है आज एक जगह, है ना, मेरे घर वाले कह रहे हैं कि नहीं तुम खाना बना के जाओगे, तो मैं इंटरव्यू दूंगा, खाना बनाऊंगा, मैं पहले इंटरव्यू दूंगा ना भाई। रिश्ता क्या है अडानी से, मोदी का रिश्ता क्या है और राहुल गांधी का रिश्ता क्या? मैं बता रहा हूँ क्या रिश्ता है अडानी से। भाई को ऑफर लेटर मिले ना इन्फोसिस उसका, माइक्रोसॉफ्ट का और अडानी का, इंडिया में मिनिमम वेजेस समान है सबके लिए, है कि नहीं है? दिल्ली में जो मिनिमम वेजेस हैं अनस्किल्ड लेवल के लिए, वो चाहे ये कंपनी हो चाहे ये कंपनी हो, सारे बराबर देंगे क्योंकि उनको कंप्लायंस पूरा करना है। अब माइक्रोसॉफ्ट दे या अडानी दे, बात तो बराबर है ना भाई, हाँ। तो प्रॉब्लम ये है कि माइक्रोसॉफ्ट का जो लेटर होगा ना, बड़ा गर्व होगा मुझे, अडानी जो लेटर देगा ना उस पर, क्योंकि वो अडानी है, रिलायंस है। आज कौन सी रिलायंस ने किसको नहीं बर्बाद कर दिया यार, रिलायंस एक कंपनी का, आपने हेमलेस का नाम सुना होगा, शायद सुना हो, हेमलेस दुनिया में जर्मन कंपनी है, दुनिया में टॉयज की, खिलौने बनाने की दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी थी, आज किसकी है? रिलायंस की है। क्या ये गर्व की बात नहीं है मेरे लिए? हाँ, आज रिलायंस रिटेल में वॉलमार्ट को सबको पीछे छोड़ के खड़ी है इंडिया में,
क्या ये गर्व की बात नहीं है मेरे? अडानी से तकलीफ क्या है राहुल? अडानी से तकलीफ ये है कि 2024 में चुनाव आ रहे, अब मुद्दा तो कोई मिल नहीं रहा है, तो अब लोगों में वो ये दिखाना चाहता है कि इसने हमें छोटे लोगों को पैसा ना देके अडानी को दे दिया, जबकि उसकी अपनी मेहनत है। और अडानी ने साफ साफ इंटरव्यू में ये भी बोला कि सबसे ज्यादा उसकी स्टार्टअप हुई थी, स्टार्ट उसने बिजनेस अपना शुरू करा था वो राजीव गांधी ने सबसे पहले हेल्प करी थी एनर्जी सेक्टर में मदद करने के लिए। और अडानी कोई भी बिजनेसमैन हो, अगर वो खड़ा स्ट्रांग नहीं होगा तो हमारा देश स्ट्रांग नहीं होगा, क्योंकि एक बिजनेसमैन बनता है तो वो लाखों लोगों को रोजगार देता है। अगर आप बड़े बनोगे तो आप अपने छोटे वालों की मदद जरूर करोगे, मदद करोगे, तो यही सेम चीज है। अगर हम अपने लोगों को कमजोर करेंगे, कभी आप यूएस में देख लो, वो कोई यूएस की कंपनी को, एलन मस्क, क्या एलन मस्क ऐसे बन गया अमीर? एलन मस्क ने भी मार्केट से पैसा उठाया, उसने भी पैसे बनाए, उसने भी, अडानी ने भी मार्केट से पैसा उठाया, उसने भी पैसे बनाए, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां आती है अडानी की कि वो क्या बैंकों का पैसा नहीं दे रहा, टाइम से पे कर रहा था इसलिए वो बचा, टाइम से पहले कर रहा है। आज आज चलो अडानी की ये बात, राजेश जैन कौन था जिसने अडानी की हेल्प करी आके, क्योंकि उसे पता था कुछ लोग उसको गिराने के लिए लगे पड़े हैं, इसलिए उसने आके अडानी में 20,000 करोड़ की तुरंत इन्वेस्टमेंट डाली जिससे कि वो उस ग्रुप को बचा पाया, क्योंकि फाइनेंशियल आज मेरी इनकम और उसमें डिफरेंस होता है तो उसको मैनेज करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। और उसी का उन्होंने, हिंडनबर्ग ने फायदा उठाया जब वो एफपीयू लेके आया, और उसी एफपीयू को बर्बाद करके कंपनी में प्रेशर डाल के उसके शेयर को गिराने की चाल थी कि इसको गिराएंगे तो ये बर्बाद होगा तो कुछ हमारी, जबकि सबसे चाल विफल हो गई ना। क्यों विफल तो होना ही था, क्योंकि सबको कॉन्सिक्वेंसेस पता थी कि एक इंटेंशनली किया गया वो अटैक है, जब कोई इंटेंशनली करा जाता है ना तो वो, तो आपको भी पता है कि अगर उसने, अरे रुको तो क्या रिश्ता, क्या रिश्ता, वही तो, जब कांग्रेस के सरकार में अडानी थे और उस समय बात नहीं हो रही थी। अरे भाई, जो व्यक्ति पहले 100 किलोमीटर रोड नहीं बनता था, आज 1,000 किलोमीटर बन रहा है, तो फायदा किसको जाएगा? जो काम कर रहा है उसको जाएगा ना, तो बंदा बढ़ रहा है, देश विकसित हो रहा है, और उसमें लोग बोल रहा है कि मोदी अडानी का क्या संबंध है। अरे मूर्ख, यही तो नहीं समझ पाए, अगर समझा होता तो बोलता ही नहीं। गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ? हिंदुस्तान अभी 8 साल में कितना डेवलप हो रहा है? अरे गलत बोल रहा हूँ, इधर आके मुंह दिखा, मुंह दिखा।